दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो होने वाले हैं मोबाइल जॉब के ऊपर। मतलब सिंपली आपको घर बैठे वर्क फ्रॉम होम काम करना है, वो भी मोबाइल फोन से। तो जिन लोगों को भी घर बैठे मोबाइल फोन से काम करके अगर अर्निंग करनी है तो उनके लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। काम बहुत ही सिंपल होने वाला है, आपको सिर्फ फोटोज़ को अपलोड करना होता है अपने मोबाइल फ़ोन से। अब यहाँ पे अर्निंग की बात करूँ तो लगभग एक फ़ोटो के ऊपर आप 50 से 60 रुपये कमा सकते हैं। आप मेरे डैशबोर्ड में एक बार देख लीजिए, मैंने यहाँ पे देखे दोस्तों कुछ फ़ोटोज़ अपलोड किए थे और उन फ़ोटोज़ में से 46 फ़ोटोज़ जो है वो डाउनलोड हो चुके हैं और उन डाउनलोड्स के ऊपर मुझे लगभग $21 की अर्निंग हो चुकी है। मतलब लगभग एक फ़ोटो के ऊपर 50-60 से ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे अर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड किए थे जिसमें क्वालिटी अच्छी थी और कुछ फ़ोटोज़ मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किए फ्री में, उनको थोड़ा सा एडिट कर दिया और अपलोड कर दिए। तो दो तरीके हैं फ़ोटोज़ अपलोड करने के। मान लो आपके पास आपका मोबाइल है जिसमें क्वालिटी कम है तो आपके पास कुछ फ़ोटोज़ नहीं है, पर अगर आप ऑनलाइन फ्री में फोटोज़ डाउनलोड करके उनको एडिट करके अपलोड करते हो ना तो भी आपका काम बन जाता है, ठीक है। तो एडिट कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, बहुत ही सिंपल टास्क है। इस वेबसाइट में जितने ज़्यादा आप फोटोज़ अपलोड करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होने वाली है। यहाँ पे अर्निंग का कोई लिमिट नहीं है। इस काम को करने के लिए, इस वेबसाइट में रजिस्टर करने के लिए, रजिस्टर बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है, कोई एज का लिमिट नहीं है यहाँ पे। ना ही कोई आपको टेस्ट देना है, ना ही कोई आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बताना है और ना ही आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है या फिर इंग्लिश नहीं आता है तो भी यहाँ पे चल जाएगा। आपको हिंदी आता है तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको फोटोज को अपलोड करना रहता है, वो भी अपने मोबाइल फोन से। आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो भी यहाँ पे चल जाएगा, तो कोई भी यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। अब इस वेबसाइट में आपको फोटोज को कैसे अपलोड करना है, इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। फोटोज को कैसे एडिट कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। सब काम फ्री में होने वाला है, सिंपली आपको मैक्सिमम फोटोज को अपलोड करना रहता है जिससे कि डाउनलोड्स मिल सके। हर एक डाउनलोड के आपको यहाँ पे 50 से 60 रुपये मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ दोस्तों। और हाँ, मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन अर्निंग के जो भी वेबसाइट्स है उनके ऊपर मैं वीडियोज बनाते रहता हूँ। चलिए तो दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम है shutterstock.com। इस वेबसाइट में आप सिंपली फोटोज़ को अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो, वीडियोस को अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो और आर्टिस्टिक फोटोज जो रहते हैं उनको भी अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस वेबसाइट में जो भी फोटोज अपलोड किए जाते हैं एज अ फ्रीलांसर आप अपलोड करते हो तो उन फोटोज को न्यूज़ आर्टिकल्स, फिर उसके बाद मैगजीन्स, फिर वीडियो क्रिएटर्स यूज करते हैं जिससे कि उनको कॉपीराइट क्लेम ना बैठे, उनका कंटेंट ओरिजिनल लगे। तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना होता है। आप कहीं पे घूमने जाते हो तो नेचर के फोटोज आप खींचते हो, किसी इवेंट में जाते हो तो उस इवेंट के फोटो खींच सकते हो और उनको अपलोड कर सकते हो। अभी किसी भी अगर फोटो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ट्विलाइट स्काइज करके है, ये देखिए दोस्तों सिर्फ आसमान के फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन फोटोज़ को डाउनलोड करने के लिए उन लोगों को पैसे पे करने पड़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों कितना पैसा पे करना पड़ रहा है किसी भी फोटो को डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट में। सनसेट एट रूबी बीच करके है ये फोटो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसका पूरा डिटेल जो है ना वो यहाँ पे दिख जाएगा। किसी भी यूज़र को अगर इस फोटो को डाउनलोड करना है तो वो यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता है और जैसे ही वो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता है तो उसका जो प्राइस है ना वो उसको दिख जाता है। तो देखिए दोस्तों प्राइस क्या है, 86 रुपीज़ पर इमेज, मतलब यहाँ पे लगभग $1 के ऊपर ही इसका प्राइस दिया गया है, ठीक है। अब आपको 86 रुपीज़ नहीं मिलते हैं, यहाँ पे क्या होता है आपको 60 से 70 रुपये मिलते हैं, बाकी के 10-20 रुपये क्या करता है ये जो वेबसाइट है वो अपना कमीशन ले लेता है। फिर भी अगर आपको 50-60 रुपये अगर मिल रहे हैं किसी एक फ़ोटो के लिए डाउनलोड होने पर तो भी इतना बुरा नहीं है, ठीक है। आपको कुछ ऐसे इमेजिनरी व्यूज़ के जो फोटोज़ हैं उनको क्लिक करना है, उनको थोड़ा सा एडिट करना है और अपलोड कर देना है, ठीक है। इतना सिंपल काम होने वाला है और जितने ज़्यादा आप फोटोज़ अपलोड करेंगे उतनी आपकी अर्निंग होने वाली है। वो कैसे, अर्निंग शेड्यूल में यहाँ पे दिखाया गया है कि कितने आप फोटो अपलोड करेंगे तो कितनी आपकी अर्निंग होने वाली है। शटरस्टॉक एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स काम करते हैं और हर रोज़ अपने फोटोज़ को अपलोड करते हैं। जैसे कि आपके पास अगर DSLR अच्छा वाला कैमरा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फोटोज़ अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लेवल्स में अर्निंग होती है। फर्स्ट लेवल मतलब आप लगभग 100 इमेजेस को अपलोड करते हो ना पूरे एक साल में, आपको एक ही दिन में अपलोड नहीं करने हैं, आप पूरे एक साल में सिर्फ 100 इमेजेस को अपलोड करते हो तो 15% का आपको यहाँ पे अर्निंग हो जाता है। और अगर आप 6th लेवल पे हो ना तो आपको पूरे साल में 25,000 फोटोज़ को अपलोड करना है, पूरे साल के अंदर 25,000 फोटोज़ को अपलोड कर, और यहाँ पे आपको 40% का कमीशन मिल जाता है हर एक फोटो के ऊपर जितना भी आपका डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे आपको 40% के हिसाब से 40 सेंट्स मतलब $0.5 मिल जाता है एक फोटो के ऊपर अपलोड करते ही, अगर वो डाउनलोड हो जाता है तो। अगर आप पूरे 25,000 वीडियोज अपलोड करते हो, देखिए वीडियो कुछ बड़े नहीं रहने वाले, सिर्फ 20 से 30 सेकंड या फिर पूरे 1 मिनट का ही यहाँ पे वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा बड़ा वीडियो आपको
यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, ठीक है। एक एक मिनट के आप वीडियो जो शॉर्ट्स बनाते हो आधे मिनट के, वैसे यहाँ पे आप एक मिनट के वीडियो अपलोड कर सकते हो, आधे मिनट के भी वीडियो अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो 5-5 सेकंड के वीडियो अपलोड करके यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं और यहाँ पे 40% का आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है, ठीक है। 10 वीडियोज के ऊपर आपको यहाँ पे लगभग 15% का कमीशन मिल जाएगा पूरे साल में आप काम करते हो तो, और यहाँ पे वीडियो का भी अर्निंग अच्छा खासा हो जाता है। 5-5, 10-10 सेकंड के वीडियो अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास एक सिंपल वाला मोबाइल है, मान लो आपके पास ऐसा सिंपल वाला मोबाइल है जिसकी क्वालिटी बहुत ही कम है और आपको ना फोटोज़ आपके पास अवेलेबल नहीं हो रहे, तो आप फोटोज़ को कैसे अपलोड करेंगे फिर? तो उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास, देखिए मैंने उसको यूज़ किया है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ। सबसे पहले देखिए इसी वेबसाइट को मैंने ओपन करके रखा हुआ है, मैं गूगल पे जाता हूँ, फ्री स्टॉक्स इमेजेस करके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे मैं सर्च करता हूँ ना तो एक वेबसाइट आ जाती है जो कि एक फ्री वेबसाइट है जो आपको फ्री में जो फोटोज़ और वीडियोज़ है उनको अवेलेबल करके देती है, आपको उनको सिर्फ एडिट करना होता है। और कैसे करना है एडिट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट में आपको जाना है, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है, उसको आप ओपन कर सकते हो। इस वेबसाइट में जाते ही आपको जो भी फोटो ऐसा लगे उस इवेंट के वाइज है तो उस इवेंट के वाइज उस फोटो को आप डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये फोटो मैंने डाउनलोड किया था इसी वेबसाइट से, अब मैं आपको यहाँ पे फ्री में भी एक फोटो डाउनलोड करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि डाउनलोड नहीं होता है, देखिए इस फोटो को मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, हाई क्वालिटी फोटो यहाँ पे आपको ढूंढने हैं, ठीक है। फ्री डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ऑप्शन आ जाता है आपका फ्री डाउनलोड का और से थैंक्स बोल देता है, यहाँ पे रिफ्रेश होगा और ये फोटो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्री में डाउनलोड है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे आपको डाउनलोड नहीं होगा, फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, आपको सिर्फ हाई क्वालिटी फोटोज़ को ढूंढना रहता है। देखिए दोस्तों डाउनलोड फोल्डर में ये फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए डाउनलोड हो चुका है और इन फोटोज़ को आप यूज़ कर सकते हो। तो हाई क्वालिटी वाला एक फोटो मुझे यहाँ पे मिला था जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया और इस फोटो को मैं आपको यहाँ पे अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट कैसे बनाते हैं अपने फोटो किसी भी फोटो को डाउनलोड करके वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसी देखिए इस वेबसाइट को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हो गूगल पे और वहाँ से फोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको जाना है एक वेबसाइट में जिसका नाम है canva.com, जिसको आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल भी फ्री में, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप आते हो ना तो अपलोड फोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे चूज फाइल क्लिक करके आपको जो फोटो आपने डाउनलोड किया है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर दीजिए बस, वो एडिटर में देखिए दोस्तों यहाँ पे ओपन हो जाता है, आपको एडिट फोटो के ऊपर क्लिक करना है और ये जो आपका सीन दिख रहा है ना आपको जो भी आपने सिलेक्ट किया है फोटो उसका कलर जो है ना वो आपको चेंज करना है जिससे कि क्या वो आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे वो एडिटर ओपन हो जाता है और जिसमें सिंपली आप कलर चेंज करके उस फोटो का कलर जब चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल कंटेंट हो जाएगा आपका खुद का, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, देखिए एडजस्ट के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और एडजस्ट के ऊपर क्लिक करते ही नीचे देखिए दोस्तों स्क्रॉल करना है आपको, कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कलर के ऑप्शन में देखिए दोस्तों कलर एडिट करके है, यहाँ पे जो कलर आपको एडिट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दो कलर्स हैं जिनको आप एडिट कर सकते हो, तो जो येलो वाला आप तो यहाँ पे जो ये वाला जो कलर है इसको मुझे चेंज करना है इस फोटो में, तो मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों चेंज करने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना कलर चेंज हो चुका है और ये अलग ही अभी इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैं अभी सेट कर रहा हूँ, ये कलर मुझे अभी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और सेव के ऊपर क्लिक करने पर मुझे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है जिसको मैं क्लिक करके ही यहाँ पे फोटो को फ्री में डाउनलोड कर सकता हूँ। एडिट करके मैंने यहाँ पे फ्री में फोटो को डाउनलोड कर लिया है, देखिए दोस्तों डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वन डाउनलोड इन प्रोग्रेस करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे ही फोटो ये डाउनलोड हो जाता है आप इस फोटो को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी ये जो फोटो था वो डाउनलोड हो चुका है मेरे पास, तो उस फोटो को मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट में अपलोड कैसे करते हैं, इस वेबसाइट में रजिस्टर कैसे करते हैं ना वो प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपली देखिए दोस्तों आपको साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। इस वेबसाइट में साइनअप के ऊपर क्लिक करते आपको जो फॉर्म है ना वो फिलअप करना है सबसे पहले, जैसे कि आपका फुल नेम, डिस्प्ले नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और आई क्लेरिफाई के ऊपर क्लिक करते आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट में आपकी पूरी डिटेल पूछी जाएगी, मतलब आपका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको डालनी है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपके लिए मैं फिर से अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूं, ऑलरेडी मेरे पास एक अकाउंट है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, फिर भी मैं आपको यहां पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट यहां पे क्रिएट करके दिखाता हूं कि यहां पे साइन अप कैसे करना है और अपलोडिंग भी कैसे करनी है, ठीक है। तो यहां पे मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूं फिलहाल, तो ठीक है। तो वो फॉर्म फिलअप करने के बाद वेलकम टू द कम्युनिटी, वी कांट वेट टू सी योर बेस्ट वर्क और आपको अपना काम शुरू कर देना।
अब अपलोड यहाँ पे डायरेक्टली सेक्शन आ रहा है, पर मैं आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। गो टू योर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके अपलोडिंग का भी सिस्टम मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे फोटोज को अपलोड करना है। ऑलरेडी हमने एक फोटो को एडिट किया हुआ है जिसको हम यहाँ पे अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। देखिए ऐसा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा जहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन यहीं पर मिल जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड, अपलोड योर बेस्ट इमेजेस और क्लिप्स एंड सबमिट देम फॉर रिव्यू। मतलब जो भी आप फोटो या फिर अपलोड करते हो ना, तो रिव्यू टीम जो है ना वो चेक करती है वो ओरिजिनल कंटेंट है कि नहीं। अगर ओरिजिनल कंटेंट नहीं होगा तो वो पास नहीं होगा और पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपलोड के ऊपर सिंपली क्लिक करना होता है। आपको जो भी फोटो आपने एडिट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, डाउनलोड सेक्शन में आपको फोटोज दिख जाते हैं जो भी आपने एडिट किए हुए। तो यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये फोटो जो है वो आ चुका है जिसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, जो भी आप फोटो अपलोड करते हो तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो डालना पड़ता है, उसका एक नाम देना पड़ता है, कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये फोटो कुछ सनसेट वाला फोटो है, तो यहाँ पे आप सिंपली कीवर्ड जो है वो सर्च करेंगे सनसेट करके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कीवर्ड जो है वो एक आ चुका है सनसेट करके। बीच है, ब्यूटीफुल है, फीमेल है, गर्ल है, गर्ल इन नेचर है, नेचर। तो ये चाहे एक आप लगभग 50 कीवर्ड्स आप लगा सकते हैं एक फोटो के ऊपर, जिससे कि आपका फोटो जल्दी से जल्दी सर्च हो सके। ठीक है, अब ये होने के बाद देखिए दोस्तों, आपको उस फोटो के ऊपर नाम डालना है। ठीक है, तो गर्ल इन सनसेट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सनसेट। ठीक है, इसका मैंने ये नाम दे दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी में आप यहाँ पे जो कैटेगरी है वो यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी करता हूँ सिलेक्ट पीपल। सेकंड ऑप्शनल एक कैटेगरी है जिसमें आप मेल फीमेल अगर सिलेक्ट करने को ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है तो आप सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे जो नेचर वाइज कैटेगरी मुझे यहाँ पे दिख रही है तो मैं नेचर सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, इमेज टाइप जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, वो फोटो है या इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन मतलब आर्टिस्टिक जो फोटोज रहते हैं वो इलस्ट्रेशन रहता है, और अगर फोटो है तो सिंपली आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम जो फोटोज रहते हैं वो कमर्शियल ही रहते हैं, तो उनका आपको कमर्शियल ही रखना है। कमर्शियल सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, तो सबमिट करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो फोटो है आपका पेंडिंग स्टेट्स में चला जाएगा। पेंडिंग स्टेट मतलब यहाँ पे रिव्यू होने वाला है आपका फोटो, वो ओरिजिनल कंटेंट है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। आपने देखिए दोस्तों, एडिट करके डाला हुआ है तो आपका वो फोटो एडिट हो चुका है और वो अपना खुद का ओरिजिनल हो चुका है। तो आपके पास अगर आपके पास कोई कैमरा नहीं है, आपके पास सिंपल वाला फ़ोन है, तो आप ऐसे फोटोज़ को भी अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट में बहुत सारे फोटोज़ अवेलेबल है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनको आप यूज़ करके यहाँ पे फोटोज़ अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सिंपली फोटोज़ को अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जो कोई यहाँ पे काम करना चाहता है ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि सर हम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, कुछ फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं। फोटो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका जो फाइल साइज है वो 3 MB के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आप 5 MB या 50 MB, मैक्सिमम आप 50 MB का फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, 3 MB के ऊपर का रहेगा फोटो तो आसानी से यहाँ पे वो काम में आ जाता है, अगर 3 MB के नीचे का है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिव्यू से भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिव्यू टीम उसको निकाल देगी। ठीक है, और जो भी वीडियोज आप अपलोड कर रहे हो वो 5 सेकंड से लेकर लगभग 60 सेकंड तक के होने चाहिए, मतलब 1 मिनट का वीडियो तो होना चाहिए, उससे कम का वीडियो चल जाएगा, 1 मिनट से ज़्यादा का वीडियो यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें इस वेबसाइट के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समझा दी है। जिस किसी को कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उसका रिप्लाई दे दूंगा, और जो कोई रजिस्टर कर रहा है उसके लिए तो मैं टाइम निकाल के उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत ही सिंपल काम है, कोई भी कर सकता है। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया अब तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन अर्निंग की जो भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही।